नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं माँ धर्म ज्योति। ओशो से संन्यास लेने वाले पहले ग्रुप से माँ धर्म ज्योति रही हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्हें और उनके ओशो के साथ बिताए पलों को जानने का सौभाग्य सुअवसर मिला है। तो आइए मिलते हैं और जुड़ते हैं उनसे, इस खूबसूरत यात्रा के आप ही साक्षी बनिए। नमस्कार माँ। प्रथा माँ, आप कराची पाकिस्तान से हैं, आपका पाकिस्तान से भारत विभाजन के दौरान आना और ओशो से जुड़ना कैसे हुआ? मेरा जन्म कराची में हुआ था। करीब मैं 7 साल की थी 1947 में, जब पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो हम शिप से यहाँ आए थे इंडिया में। कराची की थोड़ी बहुत घटनाएं ऐसे ख्याल में है, मैं स्कूल जाती थी वहाँ और घर में हम 3 बहन 1 भाई थे। जीवन बहुत ही, जिसको कहें, सुखी जीवन था हमारा। उन दिनों ना कोई मोबाइल होते थे, ना कोई टीवी होती थी, तो बच्चों का जीवन बहुत खुला होता था। खेल कूद करना, गार्डन्स में जाना, और स्कूल्स में पढ़ाई भी बहुत, मतलब ऐसी नहीं थी जैसे आजकल है करके। पढ़ाई भी बच्चे बड़े हल्के फुल्के से लेते थे, और ये तो कभी सुना ही नहीं था कि बच्चों को ट्यूशन भी देनी पड़ती है। बस स्कूल से आए और फ्री हो गए, बस पूरा समय हमारा है। तो इस तरह बचपन बहुत अच्छा गुजरा मेरा। कुछ उस समय की घटनाएं याद हैं, शायद मैं 4-5 साल की होगी, जब बच्चे को बोध होता है कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ। तो पहली स्मृति मुझे ये है कि जब मुझे पता चला कि मैं लड़की हूँ, तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि मैं ये लड़की कैसे हो गई। बस ऐसे ही लगता था, मैं लड़की कैसे हो गई, और साथ में ये हैरानी होती थी कि इस घर में मैं कैसे आ गई हूँ, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है। घर में, परिवार में माता है, पिता है, दादी है, भाई बहन है, लेकिन मैं अपने को बहुत अजनबी फील करती थी कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं इस घर में पहुँच कैसे गई। ऐसे विचार चलते थे भीतर, कुछ समझ में नहीं आता था उस समय क्या हो रहा है करके। और जब ये ख्याल आया कि मैं तो लड़की हूँ, तो साथ साथ ये भी ख्याल आता था कि अब मैं अकेली पहाड़ियों में कैसे जाऊंगी। और कुछ पता नहीं था, शादी क्या होती है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कुछ पता नहीं था। लेकिन वो छोटी बच्ची सोचने लगी कि मेरे पिता शायद मुझे ज़बरदस्ती शादी करा देंगे, मुझे तो शादी करनी नहीं है, मुझे तो बच्चे पैदा करने नहीं है, तो क्या होगा अब। तभी मन में एक निर्णय आया कि मैं ऐसे करूँगी, पढ़ाई करनी है मुझे, पढ़ाई करके अपने पांव पर खड़ा रहना है, रोटी रोजी जैसे खुद कमाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी मैं। और मेरे पिताजी अगर मुझे फोर्स करेंगे शादी का, तो मैं घर से भाग के चली जाऊँगी। ये सब विचार दिमाग में होते थे। और इसी दौरान फिर हम इंडिया आ गए। इंडिया में हमें बॉम्बे में रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। उस समय बड़ा कियास था, मतलब हजारों लाखों की तादाद में लोग आए थे पाकिस्तान से इंडिया में। तो जो मिलिट्री बैरक्स थी, जो ब्रिटिश आर्मी खाली करके गई थी, उन बैरक्स को बड़ी बड़ी, बहुत सारी बैरक्स उनको रिफ्यूजी कैंप्स बना दिया था। तो हम इंडिया में एज रिफ्यूजीज आए। वहाँ से सब लोग जान बचा के भागे थे, खाली हाथ भागे थे। शिप में हमें ऐसे भरा गया था जैसे भेड़ बकरियाँ हो, जितने चढ़ सकते हो चलो भागो यहाँ से। तो ऐसे करके हम इंडिया पहुँचे। और रिफ्यूजी कैंप में रहने का एक जो कहें प्लस पॉइंट हो गई, सब फैमिलीज, सब लोग एक समान थे, किसके पास कुछ है नहीं। वो
उस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट की, कितने मेंबर हो फैमिली में, कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से सबको गधे तकिए कंबल दे के जाते थे, बच्चों को रेडीमेड कपड़े दे जाते थे। तो एक तरह बचपन हमारा ऐसे गया जैसे एक कम्युनियन लाइफ जिसको कहें, सब एक जैसे जी रहे हैं। और उसका एक जो अच्छा परिणाम कहें हुआ कि खास करके मैं अपनी कह सकती हूँ कि हमने बड़ी बिल्डिंग्स देखी नहीं थी, तो भीतर वो जो एम्बिशन उठती है, डिज़ायर होती है, चाहनाएँ पैदा होती हैं, कंपटीशन होती है, ये सब जो संस्कार है हमारे मन में आए ही नहीं। किससे कंपटीशन करनी है, कौन सी एम्बिशन करनी है, ये शब्द उस समय पता नहीं थे। लेकिन बिल्कुल जिसको कहें ना कि बड़े सरल ढंग से सब बच्चे जी रहे थे, सब जैसे इट वॉज काइंड ऑफ वन फैमिली, सब एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, एक कम्यून की तरह वो लाइफ गई हमारे। और मैं अभी अभी पीछे मुड़ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने थोड़ी सज्जता से जन्म लिया होगा इस फैमिली में, क्योंकि अक्सर देखें फैमिली में जो माँ बाप होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चों को बहुत सप्रेस करते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं बच्चों को। लेकिन हमने बचपन में पूरी फ्रीडम इंजॉय की, कुछ भी हमारे ऊपर थोपा नहीं गया, कोई संस्कार नहीं दिए गए। ऐसा कहें कि बचपन ऐसे था जिसको कहें कि वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल जैसा जीना है जियो, पूरी छूट थी बच्चों को। और फिर मैसेज आता था कि जी स्कूल खुल गया है, बच्चों को स्कूल भेजो। स्कूल क्या था, एक थोड़ा बड़ा हॉल था जिसमें 30-40 बच्चे बैठ सकते हैं। तो इस तरह मैं जाके दूसरी क्लास में बैठ गई, फिर 2-3 महीना स्कूल चलेगा, बंद हो जाएगा, फिर घर में बैठे हैं, फिर मैसेज आएगा बच्चों को स्कूल भेजो। तो इस तरह मैंने, याद है कि मैंने बहुत जंपी की, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट की मांग नहीं, कुछ दिखाना नहीं है, हमारा एक क्वालिफिकेशन एक ही था कि माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, रिफ्यूजी है हम। तो सब तरह की कंसेशन होती थी, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे थोड़ा मेरा दिमाग अच्छा था पढ़ाई में, तो 14 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक पास कर ली। मैट्रिक पास करके और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, फर्स्ट क्लास मिला, तो कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिल गई। तो फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 4 साल मैंने ग्रेजुएशन किया, 4 साल में। मैं थोड़ा देख रही थी कब मैं 18 साल की हो जाऊँ और मैं जॉब शुरू करूँ। उन दिनों ऐसा रूल था कि 18 साल तक जॉब नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही मेरे 18 ईयर्स कंप्लीट हुए, मैंने कंपनी में अप्लाई किया और एकदम से मुझे अच्छी जॉब मिल गई। और मैं बहुत रिलैक्स हो गई भीतर कि अब मैं, जैसे एक तरह का कहें ना, भीतर एक तरह की फ्रीडम फील हुई मुझे कि अब मैं किस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिली। ऐसा कहूँ कि मेरी पूरी लाइफ, जैसे आप हाईवे पर कार चलाते हैं ना, जहाँ कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई ब्रेकडाउंस नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ और फास्ट आगे बढ़ती गई। और ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल गई, तो मुझे पढ़ाई में तो इतना रस था नहीं, तो लगा ये इनफ है, अच्छी जॉब मिल गई है। लेकिन पढ़ने का शौक था, तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और वहाँ से किताबें ले लेके पढ़ती थी। मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी और फिलासफी। तो काफ़ी कहें कि रिलीजन पर भी जो भी किताबें हैं, जैसे रामकृष्ण की, विवेकानंद की, रमण महर्षि की, इस तरह बहुत सारी किताबें मैं पढ़ती रहती थी। और भीतर एक तरह की जिज्ञासा भी जगती गई साथ साथ किताबें पढ़ के, कि एक और भी कोई जीने का ढंग है करके,
कुछ हमें अनुभव करना है भीतर। तो किताबों से लगता था कि ये भौतिक ज्ञान तो मिल रहा है, समझ में सब आ रहा है, लेकिन इस बात का अनुभव कैसे हो। तो उस अनुभव की तलाश जब शुरू हुई तो बॉम्बे में बहुत तरह के गुरु आते थे, सबके मैं प्रवचन सुनने जाती थी और लगता था कि ये तो सब इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, ये बातें तो मुझे भी पता है, उनकी बात हृदय को नहीं छूती थी। तो ऐसे खोज जारी रही और मैं घूमती रही। फिर जैसे कहते हैं ना, शिष्य जब तैयार हो जाता है तो सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। तो उसी दौरान 1968 में ओशो मेरे लिए अचानक प्रकट हुए। रास्ते में मैंने एक बैनर देखा, आचार्य रजनीश का प्रवचन। तो मुझे ये नाम बिल्कुल नया लगा, कभी सुना नहीं है। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों इकट्ठे इकट्ठे सब जगह जाते थे। मैंने उसे कहा चलो इनका भी प्रवचन सुनते हैं। तो मैं पहले सीधा ही ओशो को सुनने चली गई थी और वो बस प्रवचन क्या सुना, कहते हैं ना हृदय गवाही देता है। उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य इतने गहरे तक भीतर छू रहा था और हृदय गवाही दे रहा था, ये व्यक्ति पूरा अनुभव से बोल रहा है। और भीतर लगा इसी की तो खोज थी, मिल गया ये हमें आज। ऐसे करके मैं बहुत खुश, और वो पहला अनुभव उनको सुनने का जो मुझे हुआ, जिसको कहें कि मेरी, जैसे ही उनकी आवाज़ शुरू हुई मेरी आंख बंद हो गई थी और मेरे विचार, मेरा मन कहाँ खो गया था पता नहीं, सिर्फ उनकी सिर्फ आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही थी। इस तरह प्रवचन पूरा हुआ, बाहर आके उनकी किताबें खरीदी मैंने, छोटी छोटी उस समय किताबें उनकी थी। और मुझे याद है मैं पूरी रात उनकी किताब पढ़ती रही, उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य, ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ में बहुत बहुमूल्य एक खजाना मिल गया है मुझे। फिर मैंने जांच की, लगा कि इनको मिलना है मेरे को। फिर उन दिनों एक पत्रिका भी छपती थी ज्योति शिखा करके बॉम्बे से, वो भाई वो भी एक अंक मैंने खरीदा था, तो उसमें एड्रेस और नंबर्स लिखे हुए थे। मैंने वहाँ फ़ोन किया कि मुझे आचार्य रजनीश से मिलना है करके, तो उन्होंने बताया कि उनकी शिविर होने वाली है और आप वहाँ आ जाओ, वहाँ वो ध्यान भी सिखाते हैं और मिलते भी हैं लोगों को। इस तरह मैं सीधा उनकी शिविर में चली गई। इसके साथ मेरी ओशो से यात्रा शुरू हुई। माँ, ओशो के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई? जैसे मैंने बताया कि मैं उनकी शिविर करने चली गई, नारगोल में शिविर थी। उस समय ओशो जबलपुर रहते थे और बॉम्बे आते थे। बॉम्बे में जीवन जागृति केंद्र के नाम से एक ट्रस्ट बनाई गई थी जो उनके प्रोग्राम्स अरेंज करती थी, शिविरों का आयोजन करती थी। तो इस तरह मैं नारगोल शिविर में 1968 में गई, पहली शिविर में। शाम को शिविर का उद्घाटन हुआ, ओशो ने प्रवचन दिया। प्रवचन सुन के ऐसा कहूँ कि मेरे तो होश हवास उड़ गए सब। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, भीतर इतनी कहें कि उथल पाथल मच गई भीतर कि क्या कह रहे हैं करके। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। फिर दूसरे दिन सुबह अनाउंसमेंट हुई प्रवचन स्थल पर कि आचार्य श्री हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, किसको भी कुछ पूछना है तो लिख के दे दो। तो मैंने एक पेपर पर मुझे ये सब क्या हो रहा है किसी तरह शब्दों में बांध के मैंने वो पेपर दे दिया प्रश्न की तरह। और वो आके मंच पर बैठे, उन दिनों छोटा सा ऐसे तख्त होता था, उस पर पालथी मार के बैठ जाते थे और उनको इतने सारे प्रश्न उसी समय हाथ में पकड़ा देते थे और वो प्रश्न पढ़ रहे हैं और छांट रहे हैं, कुछ प्रश्न इस तरफ रख रहे हैं, उस तरफ रख रहे हैं।
और करीब हम 300 लोग थे शिविर में, और मैं काफ़ी दूर बैठी थी। प्रश्न तो लिख दिया था और भीतर कुछ अजीब तरह का भय भी लग रहा था मुझे, और ऐसे भी लग रहा था कि ये प्रश्न पढ़ के क्या सोचते रहेंगे कि ये कौन पागल लड़की यहाँ आ गई है करके, ऐसे मन में आ रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मेरा प्रश्न पढ़ना शुरू किया, मैंने वो पेपर पहचाना कि मेरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न पढ़ के उन्होंने एकदम ऑडियंस की तरफ देखना शुरू किया, ऐसे 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 नज़र घुमाते गए, और जब उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो एकदम जैसे ना टिक करके, अच्छा यही लड़की है करके, और आगे उन्होंने देखा ही नहीं बिल्कुल। और मैं हैरान हो गई कि इनको पता कैसे चला कि ये प्रश्न मैंने पूछा, बिल्कुल क्लियर दिखा कि उनको तो समझ में आ गई बात कि ये मेरा प्रश्न है। फिर उन्होंने कोई उत्तर तो दिया नहीं, फिर प्रवचन पूरा हुआ, वो मंच से उठे और सब लोग उनके आगे जा रहे हैं, पांव छू रहे हैं उनके, कोई उनसे हाथ मिला रहा है, और मैं घबराई डरी हुई दूर खड़ी देख रही थी, सब भय लग रहा था, कुछ अजीब भय भीतर पकड़ा था। इसको मैं कह सकती हूँ कि वो मृत्यु का डर था, जैसे लग रहा था इसके निकट गए तो मर जाएंगे, जैसे कोई पतंगा ज्योति का आकर्षण भी हो रहा है और डर भी रहा है और जा भी रहा है, ऐसी हालत थी भीतर। फिर मुझे लगा अब तो ये चले जाएंगे, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ी, मुझे लगा मैं इनके पांव तो छूं, तो पांव छू के मैं ऐसे ऊपर उठी, तो मेरी तरफ देख के कहते हैं तूने पूछा था ना वो प्रश्न, तो मैं तो समझ गई क्या कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ मेरा ही प्रश्न था, तो बोले दोपहर को आके मिलना मैं बात करूँगा। तो दोपहर को मैं उनको मिलने गई, उसी अवस्था में थी मैं, बहुत भीतर भय से भरी हुई, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ गई तो मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई कि बहुत लोग थे मिलने वाले, लाइन लगी थी मिलने वालों की, तो फिर मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ और भी बहुत लोग मिलने आए हैं। तो वो एक रूम में थे और एक एक व्यक्ति को उनके रूम में भेजा जा रहा था मिलने के लिए, और 2-3 मिनट में बाहर आएगा फिर दूसरा जाएगा, इस तरह लाइन आगे बढ़ रही थी। फिर मैं भी आगे पहुंच गई लाइन में, मेरे आगे एक महिला थी वो अंदर गई रूम में। फिर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं इनको कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने थोड़ा खिड़की से झांक के देखा, तो मैंने देखा वो सोफा पर बैठे हुए हैं, और वो महिला जाके नीचे उनके आगे दड़ी थी गलीचे जैसा था, वहाँ जाके बैठ गई प्रणाम करके। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसे मिलना होता है, मैं भी ऐसे करूँगी। फिर वो बाहर निकली और मुझे अंदर भेजा गया। मैं गई तो भगवान ने तो ऐसे अपने हाथ ऐसे आगे कर लिए कि आओ करके, मैं भी सब कुछ भूल गई और मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए तो उन्होंने मुझे अपने साथ सोफा में बिठा दिया, और मैं मेरे शरीर में बहुत कंपन हो रहा था भीतर, तो उन्होंने एक हाथ मेरा पकड़ के रखा और दूसरा हाथ मेरी रीढ़ पर वो घुमाने लगे। हार्डली 1-2 मिनट ऐसा हुआ होगा कि मेरे भीतर जो भी चल रहा था ना सो सब वापस सेटल हो गया, मैं एकदम नॉर्मल हो गई, फिर शांत हो गई। फिर उन्होंने बिल्कुल फॉर्मल ऐसे बातें पूछी, कहाँ से आई हो, क्या नाम है, क्या करती हो, मैं उनको बताती गई। फिर कहते हैं तू मेरा काम करेगी, मुझे कुछ पता ही नहीं इनका काम क्या है, मैं तो ध्यान सीखने गई हूँ कैम में, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ करूँगी। तो उन्होंने कहा कि उनके सेक्रेटरी जो थे उस समय उसको बुलाए और बोले इससे मिल लो और देखो क्या कर सकती हो, ऐसे करके मैं उनके पास, और बोले मैं बॉम्बे आता रहता हूँ और तू मिला कर मेरे को। तो ये पहली मुलाकात हुई ओशो से, और फिर तो
कहूँ कि ये उनके आशीष थे मेरे पर, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं बहुत उनके उनसे जैसे निकटता से जुड़ गई। मैं ध्यान शुरू किया, फिर उनको पत्र लिखती रहती थी। फिर उन्होंने एक बार पत्र का पहला पत्र जो उनका मेरे पास आया था कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ बॉम्बे और तू आके मिलना, उसमें उन्होंने 4 फ़ोन नंबर लिखे थे कि ये फ़ोन नंबर से इंक्वायरी करना कि मैं कहाँ रुकूँगा करके। मैं सोची 4 नंबर क्यों लगे हैं, तब मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइंस होती थी। बाद में पता चला 3 नंबर काम ही नहीं कर रहे थे, 1 नंबर पर फ़ोन लग गया और उस महिला ने मुझे एड्रेस ही बोली हाँ यहाँ, और उन्होंने लिखा था 9 बजे आके मिलना। तो मैं पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई तो मैं तो अपने विचारों में खोई हुई थी। एक कार वहाँ से बिल्डिंग से बाहर आई गेट की तरफ, तो मुझे लगा कोई बुला रहा है मेरे को, तो देखा कि भगवान कार में है और उन्होंने अपना खिड़की का कांच नीचे किया। बोले कि तू ना रुकना, मैं 15 मिनट में वापस आता हूँ। उनको कहीं लेके जा रहे थे और मेरे से पूछे कि तुझे पता है ना कौन से फ्लैट में कहाँ जाना है, तो मैंने कहा हाँ पता है मुझे, एड्रेस है मेरे पास। तो वो चले गए और उस बिल्डिंग में बहुत सारे विंग्स थे, उस औरत ने मुझे बताया ही नहीं था कौन से विंग में आना है, और वो पूछ रहे हैं मेरे से और मैं कह रही हूँ मुझे पता है। फिर तो मैं 10 मिनट ऐसे ही घूमती रही, एक एक विंग में जाके ऊपर नीचे आ रही थी। फाइनली पहुँच गई मैं जहाँ वो आने वाले थे, फिर वापस आ गए और मुझे बुलाया अंदर। बात तो कुछ थी नहीं, बस मिलना है एक धुन चढ़ी हुई थी। तो पास में बिठाए और सिर पर हाथ रखे, 2-4 मिनट ही उनके पास बैठी मैं। फिर बोले शिविर हो रही है वहाँ आ जाना तू, ऐसे करके फिर उनके साथ मेरी यात्राएं शुरू हो गई। और उस समय ऐसे कहें कि एक तरह का जैसे नशा था बहुत, दीवानगी जिसको कहें, पागलों की तरह उनके पीछे जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाना है। उनका बहुत मेरे लिए बहुत आकर्षण था वो, जो मुझे खींच रहा था पूरा समय। और उन्होंने भी इस तरह की परमिशन दे दी, मैं कहती थी आप यहाँ जा रहे हो मुझे भी आना है, बोलते थे आ जाओ। तो इस तरह मैं, मुझे काफ़ी मौका मिला उनके साथ ट्रैवल करने का। और ट्रैवलिंग के टाइम वो लोगों के घरों में रहते थे, तो उनके साथ रहने का भी सौभाग्य मिला, थोड़ी उनकी केयर करने का सौभाग्य मिला। इस तरह वो 2-3 साल जो थे बड़े अद्भुत थे वो। फिर एक शिविर के बाद वो जबलपुर से शिफ्ट हो गए बॉम्बे। बॉम्बे के मित्रों ने आग्रह करके उनको कहा कि आप अभी यहाँ बॉम्बे आके सेटल करिए। तो वो आ गए वहाँ और माँ योग लक्ष्मी ने सेक्रेटरी का पद ग्रहण किया। उनके अपार्टमेंट में 3 रूम थे, बेडरूम थे। एक रूम में हम 6-8 सन्यासी रोज सुबह सक्रिय ध्यान करते थे वहाँ, और करीब करीब रोज वहाँ जाना, फिर उनसे मिलना। कोई एक भी नया व्यक्ति आया है, फॉरेनर्स आने शुरू हुए थे उसी टाइम से। माँ लक्ष्मी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मुझे हमेशा फ़ोन करती थी ऑफिस में कि आज शाम को आ जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होने वाली है। तो इस तरह मैं पहुंच जाती थी। मतलब ऐसी हालत थी उस समय कि वो जो कह रहे हैं एक शब्द भी चूक ना जाए, पता नहीं क्या चूक जाएंगे अगर हमने वो नहीं सुना तो। तो बिल्कुल जैसे पागलों की तरह बस भागना है। ये सिलसिला चलता रहा
और माँ लक्ष्मी ने उस समय उनको कुछ अनुभव हुआ था ध्यान में, तो उन्होंने गेरुए वस्त्र पहनने शुरू कर दिए थे, ऑरेंज लूंगी और कुर्ता छोटा सा। फिर मैं रोज जाती थी वहाँ ध्यान करने, तो और भगवान से भी मिलना हो जाता था, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि लक्ष्मी की ड्रेस कैसी लग रही है। मैंने कहा अच्छी लग रही है। तो बोले अभी मनाली में शिविर होने वाली है ना, तो ऐसी एक ड्रेस बनवा के ले चलनी है वहाँ। उन्होंने कोई संन्यास वन्यास की बात ही नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है बनवा लूँगी। और मैं ऑफिस जाती थी तो अपने जो कपड़े होते हैं सलवार कुर्ता पहनती थी मैं। फिर जब भी उनसे मिलना हो तो बोलते थे वो ड्रेस बनवाई कि नहीं बनवाई। मैं थोड़ा डिले कर रही थी कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं बनवा लूँगी। फिर एक दिन कही तो उन्होंने अपने रूम में पूरा ऑरेंज कपड़े का ताका बुला के रख दिया था। बोले काट के ले लो, कितना कपड़ा लगेगा ड्रेस पर, ये ड्रेस बनवानी है। ऐसे करके मैं ड्रेस बनवाई। फिर हम शिविर में गए, मनाली में शिविर थी ये सितंबर में 1970 में। पहले दिन तो मैंने मेरे ही कपड़े पहने थे, तो उन्होंने बुलाया बोले वो ड्रेस का क्या हुआ। मैंने कहा कल पहनती हूँ, लेके आई हूँ बनवा के। तो दूसरे दिन वो ड्रेस पहन के मैं प्रवचन के पहले ही पहुँच गई उनके रूम में दिखाने की मैं ड्रेस पहन के आई हूँ। वो बाथरूम में थे, नहा के निकले बाहर, देखा मुझे, मेरी एक सहेली भी मेरे साथ थी, तो देख के ऐसे बोलने लगे कि ये ड्रेस तुझे ना बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी जच रही है। फिर मेरी फ्रेंड को कहते हैं उसको नया नाम क्या दें। मैं हैरान हो गई थी नया नाम किस लिए, क्योंकि उन्होंने कोई बात ही नहीं की है संन्यास या कुछ। तो मेरी फ्रेंड कहती है मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे ही निकल गया कि ज्योति। तो उसको कहते हैं हाँ अच्छा नाम है लेकिन अधूरा है, धर्म ज्योति ये ना मेरे धर्म का प्रचार करेगी। और मैं हंस रही हूँ क्या है इनका धर्म, हमें कुछ पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने वो ड्रेस दो दिन पहनी, फिर धोके डाली। तो ठंड थी बहुत और कपड़ा भी काफ़ी भारी था, तो सूखी नहीं। तो तीसरे दिन फिर मैं अपनी ड्रेस पहन के चली गई। तो उन्होंने प्रवचन के बाद एकदम बुलाया, बोले वो ड्रेस का क्या हुआ, कपड़े क्यों बदल दिया। मैंने कहा वो तो धोके डाली है, एक ड्रेस है सूखी नहीं है अभी तक। तो बोलने लगे नहीं अब तो वही ड्रेस पहननी है, वही रंग पहनना। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं, यही रंग पहनना है, यही ड्रेस पहननी। फिर शाम को उस दिन 26 सितंबर थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हम मेरे ख्याल से 10-12 लोग थे। हम वहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मैं नव संन्यास आंदोलन शुरू कर रहा हूँ, और थोड़ा डिटेल में सब समझाया कि मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपना काम करेगा, और ये शर्त रखी कि पूरा समय 24 घंटे ऑरेंज कपड़े पहनने हैं और अपने काम पर जाना है, माला पहननी है, मेरा सन्यासी स्वनिर्भर होगा, अपनी रोटी रोजी खुद कमाएगा, इस तरह की बातें की उन्होंने। तो मेरा तो जैसे दिमाग घूम गया कि ये ड्रेस पहन के मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा ये कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाएंगे, लोग तो समझेंगे पागल हो गई। तो बोलने लगे पागल तो तू है ना, तो लोग समझेंगे तो ठीक ही समझेंगे। मेरे दिमाग में बहुत उस रात हलचल मच गई कि ये तो बड़ा कठिन संन्यास कर दिया है इन्होंने। फिर निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो मैंने जाके बात की कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ। फिर बोले कि क्या दुविधा है, नहीं जाना है ना इस ड्रेस में ऑफिस, तो तू जा ही मत। वहाँ से उन्होंने कीर्तन मंडली शुरू करवाई थी, माँ मधु और चैतन्य भारती। बोले इनके साथ तू कीर्तन मंडली ज्वाइन कर दे, छोड़ तू ऑफिस और घर। अब वो तो और बड़ी मुसीबत मेरे लिए, क्योंकि एक
टाइप होती है, उस समय मेरी टाइप जो थी एक कि सड़कों पर जाके कीर्तन करना और नाचना। मैंने कहा ये तो और भी मुश्किल है। तो बोलने लगे फिर तू तय कर तुझे क्या करना। फिर मैंने फाइनली तय किया कि मैं जाऊंगी घर ये कपड़े पहन के और ऑफिस जाऊंगी, क्या होगा, थोड़े दिन लोग ऐसे कुछ भी बोलेंगे और फिर ऑफिस में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि ये कपड़े अलाउ नहीं है। तो ऐसे करके मैं आ गई घर में। घर में कोई विरोध नहीं हुआ मेरा, इंडिपेंडेंट थी एकदम, जो करना है करो। पिताजी बहुत ही फ्री थिंकर थे एकदम। दादी माँ थी वो भी बड़ी प्रेमपूर्ण थी, उसका अपना एक गुरु था। तो उसने जब मुझे देखा ये ऑरेंज कपड़े पहन के आ गई हूँ, तो कहती है, मुझे उसकी वो लाइन बड़ी याद आती है, कहती है तुझे पता है इस कपड़ों का अर्थ क्या होता है। मैंने कहा आप बताइए। तो कहने लगी कि साबुन से बनी हुई कोई सीढ़ी है, उस पर चढ़ना है, तो कितना संभाल के चढ़ेंगे, पाँव फिसलेगा तो सीधा नीचे। तो ये जो कपड़े हैं ना, तूने जो ये रास्ता पकड़ा है बहुत कठिन है ये, तो एक एक कदम संभाल के चलना पड़ेगा। तो मैंने तो उसको नमस्कार किया, मैंने कहा मैं संभाल के चलूँगी। क्या उसने कहा था, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। बोले ये ख्याल रखना अपना, गिरने की पूरी संभावना होती है। और पिताजी से तो पूरी फ्रीडम थी, उनके पास रोज इतनी शिकायतें आती थी, रोज रात को आगे एक घटना सुनाते थे। किसी ने कह दिया कि आपकी बेटी कपड़े कैसे पहन रही है, तो मुझे आगे रोज बताते थे। मैंने उसको कहा क्या खराबी है उसके कपड़ों में, पूरा शरीर तो ढका हुआ है उसका, आपकी बेटियां साड़ी ब्लाउज पहनती है, उनका तो इतना पेट दिख रहा है टंगा, इसका तो पूरा शरीर ढका हुआ है। तो ऐसे मतलब मुंह तोड़ जवाब दे आते थे, मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करते थे। एक दिन किसने उनको बताया, आपकी लड़की को देखा वहाँ मरीन ड्राइव पर किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ लेके जा रही थी पकड़ के, तो उसको कहते हैं तो रास्ते में और कर क्या सकते हैं, हाथी तो पकड़ा था ना, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है। तो इस तरह का उनका जो देखने का दृष्टिकोण था, तो उससे बड़ा सहयोग मिलता है, नहीं तो परिवार में लोग अगेंस्ट हो जाए तो कुछ बाधाएं आ जाती हैं। एक बार फॉरेनर्स आने शुरू हो गए थे, उस समय बहुत सारे हिप्पी ओशो के पास आ रहे थे। तो लक्ष्मी माँ ने मेरे से पूछा कि ये 6-8 लोग हैं लड़के लड़कियाँ, इनकी कहीं रहने की व्यवस्था करनी है, देख तू कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा कि हाँ एक फ्लैट है मेरे पिताजी ने लिया है, लेकिन बंद पड़ा है, वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, खाली पड़ा है, तो इनके लिए हम सोने की व्यवस्था कर देंगे, चाय वाय बना के पी सके इतनी व्यवस्था कर देंगे। तो बोलने लगी इतना तो बहुत है, तो ये करवा लो। तो मैंने पिताजी से बात की तो उन्होंने सब अरेंज कर दिया, गद्दे बुला लिए, चदरे वदरे, कि ये बच्चे आराम से रहे यहाँ। फिर कंप्लेन आई वहाँ से, सेक्रेटरी ने बुलाया उनको कि आपने किस लोगों को अपने फ्लैट में रखा है, ये तो नंगे घूम रहे हैं अंदर। और सामने बिल्डिंग थी, सोसाइटी थी, कि सामने के बिल्डिंग में लोगों ने शिकायतें की है कि ये फ्लैट में रह रहे हैं लोग और नंगे घूमते हैं, सेक्रेटरी ने बुला के कहा। तो सेक्रेटरी उनको कहता है कि कम से कम पर्दे तो लगवाओ अपने फ्लैट में, खिड़कियों में। तो उसको कहते हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं उनको कहो कि अपने पर्दे बंद रखें, हमारे फ्लैट में क्यों झांक रहे हैं। तो मतलब इस तरह की उनकी सोच थी। तो ये सब बातें सुन के मुझे सुकून मिलता था कि इतनी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो इस तरह आगे यात्रा चलती रही।